नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज गए हैं और वक्त हो गया दंगल का, यानी कि दिन की सबसे बड़ी बहस का। मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक बयान पर आज हंगामा मचा हुआ। कमलनाथ ने कल कहा था कि यूपी बिहार के लोग आ जाते हैं और मध्य प्रदेश के लोग नौकरियां नहीं पाते। कमलनाथ का यह बयान उनकी सरकार के उस फैसले पर था जिसके तहत नए उद्योगों को राज्य में इंसेंटिव तभी मिलेगा जब 70% रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। कमलनाथ के बयान के बाद आज कांग्रेस की तरफ से यह सफाई दी जा रही है कि उनके बयान को गलत समझा गया। दरअसल कांग्रेस की परेशानी यह है कि वो सिर्फ एक राज्य की राजनीति नहीं कर सकती। कमलनाथ के बयान को अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने भी गलत बताया। सवाल यह है कि वो कमलनाथ, जो खुद उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्मे, उन्हें सरकार में आते ही आखिर दूसरे राज्यों से आने वालों के मुद्दे को क्यों उठाना पड़ा? क्या कहीं इसके पीछे वो डर तो नहीं कि लोग अब नौकरियां मांगेंगे तो क्या जवाब देंगे? इसलिए दंगल में आज पूछेंगे सवाल कि यूपी बिहार के लोगों को भगाएंगे तभी चमकेगा एमपी। नौकरियां देने से बचने का जरिया है पर प्रांतियों का यह मुद्दा। क्या यूपी बिहार को बदनाम करने से वोट ज्यादा मिलने लगते हैं? क्या कमलनाथ के फैसले से कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है? और यूपी बिहार अगर आज हर जगह पंचिंग बैग बन गया तो आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या कमलनाथ राज ठाकरे वाली इस रणनीति पर लंबा टिक पाएंगे? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर होगा। लेकिन वो ये रिमार्क्स को कैसे देखते हैं आपकी, बिहार और यूपी के लोग जॉब खाते हैं मध्य प्रदेश आकर? अब देखें, अब ये तो मैंने सुना नहीं और ना देखा ना। कमलनाथ की भाषा राज ठाकरे की भाषा एक है। राज ठाकरे ने भी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गाली देने का काम किया था। बिहार यूपी के लोग जहां भी जाते हैं मान सम्मान से उस राज्य के प्रगति में योगदान देते हैं अपने परिश्रम के बल पर। राज ठाकरे और कमलनाथ की भाषा एक है। मैं कमलनाथ से पूछना चाहता हूं कि भारत एक संघीय ढांचे में है कि नहीं है, कमलनाथ को इसका जवाब देना पड़ेगा। और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को बिहार यूपी के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो इसका जवाब लोग देंगे। देखिए, कमलनाथ जी का मैंने जो सुना है टीवी पे, उन्होंने ये नहीं कहा कि यूपी और बिहार के लोग मध्य प्रदेश क्यों आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वहाँ से लोग आके मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलने की जरूरत है। उन्होंने साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की भी बात की कि मध्य प्रदेश में हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे ताकि रोजगार बढ़े। बेरोजगारी आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। मोदी सरकार का स्कोर 0 है, तो कमलनाथ जी ने तो रोजगार बढ़ाने की बात की है, कम करने की बात तो नहीं की। मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के नाम पर वितंडा खड़ा ना करें कमलनाथ जी, लोगों को भड़काने का काम ना करें कमलनाथ जी। अच्छा हो जो उन्होंने वचन दिया था वो वचन को निभाने के लिए संवैधानिक को लोकतांत्रिक कानूनों का प्रावधानों का इस्तेमाल करके और सरकार के जो नियम है उसके तहत उनको रोजगार देने का काम कि जो भी हमारी स्कीम्स हैं निवेश की, जो हम इंसेंटिव देते हैं, ये तभी लागू होंगे जब 70% लोग रोजगार लोकल होए, मध्य प्रदेश से होए। कि बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहां अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं बिहार उत्तर प्रदेश से। मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित रहते हैं, तो उनको तभी उन इंसेंटिव्स का लाभ मिलेगा अगर 70% रोजगार मध्य प्रदेश का लोकल हो। ये इस इशू के बारे में मुझे अभी बताया गया है, इसको मैं स्टडी करके आपको जवाब दे दूंगा। एनआरसी में कोई सनातक आबाद नहीं, प्रोसेस चल रहा है। एनआरसी जो है, हम अवैध विदेशियों को, घुसपैठियों को अलग करने के लिए हमने एनआरसी चलाया है। क्या उसमें लेकिन कमलनाथ ने आज इंटरनल एनआरसी कर दिया, बोलता कि यूपी बिहार वाला मध्य प्रदेश से जाना चाहिए। हम तो अपने देश के अंदर में किसी के साथ एनआरसी नहीं कर रहे हैं। एनआरसी करेंगे हम, आगे बढ़ रहे हैं विदेशियों को जो घुसपैठियों हैं और जो अवैध विदेशी है उनके लिए एनआरसी है। लेकिन कमलनाथ जी का जो इंटरनल एनआरसी है ये हमारे लिए ये मंजूर नहीं है। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ शाहनवाज हुसैन होंगे, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अभय दुबे होंगे, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सुनील यादव समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। राजीव रंजन जेडीयू का पक्ष रखेंगे और आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार
हमारे साथ यहां स्टूडियो में आ गए हैं। सबसे पहले अभय दुबे, मेरा सवाल आपसे है, जनता ने इतना प्यार दिया, इतनी तारीफ मिली कि देखिए आते ही किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं, आप लोग यूपी बिहार वालों को बाहर निकालने पे तुल गए, वो भी तब जब कमलनाथ खुद उत्तर प्रदेश से आए हुए। रोहित जी, कमलनाथ जी का ये बयान कि मैं यूपी और बिहार की आलोचना नहीं करता, आलोचना की तरह देखा जाएगा। और जब और वो भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ी करेगी जिसने आज तक ने 2009 में स्टोरी बताई थी, शिवराज सिंह चौहान सतना में कह रहे थे फैक्ट्री के उद्घाटन में कि सतना में कारखाना लगे और यूपी और बिहार के लोग नौकरी ले जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी महाराष्ट्र की लेकर आए, क्या नोटिफिकेशन किया कि 80% महाराष्ट्र के नागरिकों को, युवकों को नौकरियां मिलेगी? भाई साहब मुझे एक बात बता दीजिए, बिहार के लोग आपकी अपनी पॉलिसी है या बीजेपी की पॉलिसी से सरकार चलाते हैं? लेकर आने वाले हैं आप बीजेपी की पॉलिसी से सरकार चलाते हैं क्या? कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए द्वार खोले हैं, आपने किसी राज्य के लिए द्वार बंद करने का प्रश्न नहीं है। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग आके नौकरी ले जाते हैं, इसका मतलब ये कि आप सरासर गाली दे रहे हैं यूपी बिहार वालों को, जो मेहनत कश लोग अपने घर बार छोड़ के आते हैं, काम करते हैं, आप उनको गाली दे रहे हैं। रोहित जी, गाली क्या होता है मैं बताता हूं। जब विजय गोयल जी राज्यसभा में कहते हैं कि दिल्ली के प्रगति तभी जब ही संभव है जब यूपी और बिहार के लोगों को यहां आने से रोका जाए, ये गाली है यूपी और बिहार के लोगों के लिए। ये शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कहा वो डेरोगेटरी है। कमलनाथ जी ने ये वक्तव्य क्यों दिया, एक 10 सेकंड में मैं बताता हूं। दिल्ली का उदाहरण निकाल लाए, शीला दीक्षित का उदाहरण नहीं मिला होगा आपको इंटरनेट पे ना, आज तक की वेबसाइट पे, जो शीला दीक्षित का बयान नहीं मिला होगा ना, साइट से ही लिया है मैंने, वो नहीं मिला आपको वहां पर। 2007 से 16 तक 12 इन्वेस्टर मीट हुई, 17,49,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए, 50,000 करोड़ रुपए का भी निवेश नहीं आया, 27 पावर प्रोजेक्ट। तो ये सवाल उठाइए ना सर, यूपी बिहार वालों को क्यों गाली दे रहे हैं? एक इन्वेस्टमेंट नहीं आया। आपको शिकायतें शिवराज सिंह चौहान से हैं, यूपी बिहार वालों से क्यों गाली दे रहे हैं सर, उनको क्यों बदनाम कर रहे हैं? हमें किसी से शिकायत नहीं, हम अपना काम पर ध्यान दे रहे हैं। पहले 10 मिनट में कमलनाथ जी ने 34 लाख किसानों का और 12वें मिनट में यूपी बिहार वालों को गाली दे दी कि इनको बाहर करो, ये नौकरी खा जाते हैं। नहीं, 12वें मिनट में जो निर्णय लिया है वो बेटियों की शादी का 51,000 रूपए मध्य प्रदेश की सरकार देगी, ये निर्णय दिया है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर का 13वें मिनट का निर्णय है, 14वें मिनट का निर्णय है, आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ाने का। सारे फैसले कल से टीवी पर दिखा रहे हैं, मुझे ये सब मत बताइए, ये कल से टीवी पर चल रहा है। मुझे केवल एक सीधे सवाल का जवाब दे दीजिए, यूपी बिहार के लोग आके नौकरी खा जाते हैं इसका क्या मतलब है? कमलनाथ उत्तर प्रदेश से आके मध्य प्रदेश की राजनीति जब करते हैं, मुझे केवल ये बता दीजिए, 38 साल से छिंदवाड़ा के सांसद बनके कमलनाथ किसका हक खा रहे थे? मैं आलोचना नहीं करना चाहता, ये बड़ा बयान उनका है उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए। आलोचना नहीं करना चाहता, ये लोग नौकरी खा जाते हैं, मैं आलोचना नहीं करना चाहता, बहुत बढ़िया है। खा जाते नहीं, ओके सर, देखिए खा जाते नहीं, पा जाते हैं, पा जाते हैं, ठीक है सर, कोई बात नहीं, शब्द प्रयुक्त नहीं किया सर, कोई पा जाता है तो वो दूसरे का खा ही जाता है, जैसे कमलनाथ किसी का खा गए होंगे अगर वो 38 साल से मध्य प्रदेश में सांसद हैं, यूपी से आकर। तो विनम्रता से मैं ये कह रहा हूं कि ये मध्य प्रदेश के युवाओं के अधिकारों का प्रश्न है, मैं चाहता हूं क्योंकि प्रदेश सार पूरे देश के मतलब हर राज्य ने केवल मध्य प्रदेश में राज करना है ना, किया हुआ है, भारत में राज करने का सपना आप लोग छोड़ चुके हैं, अब बाकी राज्यों के लोगों को आप ऐसे लड़ाएंगे आपस में? कमलनाथ जी जब भारत सरकार में मंत्री, क्योंकि हमें सरकार चलानी है, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, जब सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश और बिहार को उन्होंने दिया है। मुझे सर ये बता दीजिए, राज ठाकरे बनना चाहते हैं क्या कमलनाथ? ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये राष्ट्रीय पार्टी के नेता होकर बच नहीं रहा है, राज ठाकरे हो जाना चाहते हैं क्या? कमलनाथ जी ने पदभार ग्रहण करते ही मध्य प्रदेश की तरक्की का जो प्रशस्त मार्ग निर्धारित कर दिया वो भाजपा को, और उस प्रशस्त मार्ग पे यूपी बिहार वालों को बाहर धक्का देना पहले। भाजपा के वित्त मंत्री कह रहे थे हम तो खजाना खाली कर गए, कमलनाथ जी कैसे किसानों का कर्ज माफ करते हैं? हमने 10 मिनट में माफ करते रहिए राहुल गांधी की तरह, कि मुझे ये पता है, ये पता है, वो पता है, इस मुद्दे को इवेड करते रहिए लगातार ये बोल के कमलनाथ जी तो कह रहे थे आलोचना नहीं। देखिए मैं नहीं फिर सर, कहता हूं कमलनाथ जी छोड़ दीजिए, अब जरा यूपी बिहार वालों को सुन लीजिए, इसका अर्थ अगर भाजपा ये निकाले कि बिहार और यूपी के खिलाफ बयान दिया है तो ये उनकी संकीर्ण मानसिकता है। जरा यूपी बिहार वालों को सुन भी लीजिए, जरा उनकी भावनाएं भी जान लीजिए, समझ लीजिए। सुनील यादव,
और राजीव रंजन, उत्तर प्रदेश और बिहार दो अलग अलग राज्यों की राजनीतिक पार्टियों के नेता मेरे साथ हैं सर, जिनमें से एक आपके साथ गठबंधन में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ चुके हैं और महागठबंधन में आप लोग तैयारी कर रहे हैं उनको खींचने की। लेकिन सुनील यादव, महागठबंधन तो अभी दूर की कौड़ी है, 3 महीने बाद चीजें तय होंगी। इसको कौन सहन करेगा कि यूपी बिहार वाले आके नौकरी खा जाते? करेंगे आप लोग सहन? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे रोहित जी। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा भी है कि ये भाषा तो भारतीय जनता पार्टी की है, ये भाषा गुजरात में बोली जाती थी, महाराष्ट्र में बोली जाती थी, जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी दिल्ली में ये भाषा बोली जाती थी। और अगर कमलनाथ जी को बहुत तकलीफ है यूपी और बिहार के लोगों से, तो मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं रोहित जी आपके कार्यक्रम में। नहीं, मैं केवल एक, रोहित जी मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से एक सवाल पूछ रहा हूं, ये देश क्या यूपी और बिहार के बिना तरक्की कर सकता है? हम तो कहते हैं कि ये देश बिना किसी छोटे राज्य को भी इग्नोर करके ये देश तरक्की नहीं कर सकता, और इस देश की तरक्की में यूपी बिहार का बहुत योगदान है। और अगर कांग्रेस को ये लगता है या मध्य प्रदेश के नेताओं को यह लगता है यूपी और बिहार के लोग किसी का हक खा जाते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ने आएंगे, अगर उत्तर प्रदेश सवाल पूछेगा तो क्या जवाब देंगे आप? तो मैं तो कह रहा हूं आपके चैनल पर, आपके इस कार्यक्रम में, कि कांग्रेस को भी इस बयान पे माफी मांगनी चाहिए और कमलनाथ जी को भी इस बयान पे माफी मांगनी चाहिए। का भावार्थ समझिए, उन्होंने कहा कि मैं आलोचना नहीं करता उत्तर प्रदेश बिहार की, अगर उत्तर प्रदेश अच्छा बिहार के तो मैं कह रहा हूं यूपी और बिहार के लोगों से आप माफी मांग लीजिए सर, लड़िए मत। मैं कह रहा हूं रुक जाइए, अभी तो आपने एक को सुना, मैं कह रहा हूं कि देश की तरक्की में यूपी बिहार को आप दूसरे नजरिए से क्यों देख रहे हैं? नहीं, एक सेकंड सुनील जी, आपने तो उनके सामने यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के लिए यूपी दरवाजा बंद कर देगा तो क्या करेंगे? वो जवाब नहीं दे पाएंगे इस बात पे, कहां धर्म संकट में डाल रहे हैं उनको आप? उससे पहले एक बार राजीव रंजन को सवाल, एक सेकंड अभय जी, ये जो लकीरें आप लोग खींच रहे हैं ना कि यूपी बिहार वालों ये आके हक खा जाते हैं, ये लकीरें आप ही के लिए जेल का काम करेंगे एक दिन। रुक जाइए एक सेकंड, राज ठाकरे आज तक बाहर नहीं निकल पाए उन दीवारों से जो उन्होंने खुद खड़ी की। ये तो रुक जाइए एक सेकंड पार्टी का सर, एक सेकंड रुक जाइए, षड्यंत्र उनका है, आप लोग उनकी पॉलिसी क्यों फॉलो कर रहे हैं? आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं गुजरात में ऐसा होता है, महाराष्ट्र में ऐसा होता है, फलानी जगह ऐसा होता है? आपका राजा है तो आप वैसा कर रहे हैं, इसका मतलब आप उनको फॉलो कर रहे हैं। मैं वापस आऊंगा आपके पास, उसके पहले राजीव रंजन, अधिकार है राज्यों का कि अपने नागरिकों के हितों की रक्षा। पासपोर्ट लगा दीजिए ना फिर यूपी बिहार वालों के लिए, बोलिए कि वीजा पासपोर्ट लेके आना है, मध्य प्रदेश में आना है। तो प्रश्न नागरिकता का नहीं है, नागरिकता का नहीं है रोहित जी, ये तो रोजगार का प्रश्न है और हर एक संवैधानिक अधिकार मुख्यमंत्रियों को है कि वो एड्रेस करें। अगर मध्य प्रदेश के युवा रोजगार पाते हैं तो क्या तकलीफ है इसमें भारतीय जनता पार्टी? अभय जी, पॉलिसी बनाना और किसी राज्य विशेष को टारगेट करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। राजीव रंजन, यूपी बिहार वालों को टारगेट करके क्या ज्यादा वोट मिल जाते हैं? बिल्कुल, या जयजयकार हो जाती है उससे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है रोहित जी, कभी गांधी नेहरू पटेल और आजाद के रास्ते पर चलने वाली कांग्रेस के नए आदर्श पुरुष हैं राज ठाकरे। अब इन्हें अपने दफ्तरों में राज ठाकरे की तस्वीर लटका लेनी चाहिए। जिस तरह के की घृणा के बीज इन्होंने बोए हैं, इसका बिहार करारा जवाब देगा और इन्हें बिहार में इनको इस बार पता चलेगा। ऐसे भी ये पुरातत्वावशेष बिहार में हो चुके हैं, लेकिन जो अवशेष हैं वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएंगे। एक बात बिल्कुल साफ है, कभी हिंदुस्तान में गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ाने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है। बिहार के भाग्य में बलात्कारिकलाइजेशन पॉलिसी के जरिए आपने बिहार में पिछड़ापन दर्ज कर दिया। अभय जी, बिहार के लोग दुनिया के जिन मुल्कों में भी गए हैं, 7 मिनट लगातार उन्होंने उन मुल्कों की तकदीर और तस्वीर बदल दी। देश में भी जहां जहां वो गए उन्होंने उन इलाकों का कायाकल्प कर दिया। और आज जब बिहार से पलायन घटा है, हमें विश्वास है बिहार के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जहर घोलकर अगर कमलनाथ जैसे सीजन लोग, ये कोई ऐसे नेता नहीं है जिनके बारे में हम कहें कि उन्होंने कोई अनायास टिप्पणी की है, ये जानबूझकर के बोया हुआ जहर है और इसको काटने का काम भी कांग्रेस को ही करना पड़ेगा। बिहार में पानी नहीं मिलेगा कांग्रेस को। ये बयान 11 करोड़ बिहारियों को अपमानित करने के लिए दिया गया है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ लोगों को इस बयान के जरिए आहत किया गया है। शाहनवाज हुसैन, 120 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये भारत का एक महत्वपूर्ण, ये दो प्रांत हैं और इन प्रांतों में कांग्रेस
निश्चित तौर पर इस बयान की वजह से आने वाले 3-4 महीनों में इससे जो क्षति होगी उसकी भरपाई करने की स्थिति में नहीं होगी। शाहनवाज हुसैन, आपने सुना अभय दुबे को, शुरुआत में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये गुजरात में यही करते हैं, ये दिल्ली में यही कर रहे थे, ये महाराष्ट्र में यही करते हैं जी, मैं फिर आप इन पे सवाल कैसे उठाते हैं? देखिए अभय दुबे जी से सवाल होते हैं तो वो मिसाल में बीजेपी पर इल्जाम लगाते हैं। दुश्वारी यह है कि मैं सुबह से इनको सुन रहा हूँ, दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को दुख हुआ है उनके बयान से, कमलनाथ के बयान से, बिहार के लोगों को दुख हुआ है, और सबसे ज्यादा दुख तो अमेठी के लोगों को हुआ है। अमेठी में ऐसे भी आलू से सोना निकाल रहे थे, वो तो निकला नहीं, वहां रोजगार मिला नहीं, और आज मध्य प्रदेश के अंदर अगर कांग्रेस की सरकार बनी, हमारा कहना है कि आप मध्य प्रदेश के युवा को रोजगार दीजिए, मध्य प्रदेश के युवा को रोजगार दीजिए, पूरा स्वागत है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अपमानित मत कीजिए। आप जिस तरह का बयान जानबूझ कर दिया है कमलनाथ जी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में आपको अमेठी रायबरेली के अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं मिला, बिहार में भी आपको एक दो सीट मिली। अब आपको लगता है कि आपको ये लगता है, मैं दे रहा हूं प्रतिक्रिया सर, मैंने सुना आपको 10 मिनट, मैंने आपसे कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी हरदम रक्षा करती है, हम मानते हैं ये संघीय ढांचा है, पहले कांग्रेस जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को बांट रही थी, अब राज्य के नाम पर बांट रही है। क्या खेल किया था आपने गुजरात में अल्पेश ठाकुर के जरिए, बिहार के और उत्तर प्रदेश, यहाँ तक के मध्य प्रदेश के लोगों को भी भगाने का काम किया था, वो बीजेपी की सरकार थी जिसने रक्षा की। मैं धरने पर बैठूंगा, आप जिस तरह के, आपने जो जिस तरह की हरकत, जिस तरह की हरकत आपने की, देश जवाब देगा आपको। ठीक है, मेरा कहना है राहुल गांधी जी को जब सवाल पूछा गया उनके पास तो जवाब नहीं था, ओके, लेकिन रोहित जी के सवाल का दुबे जी अलग तरह से जवाब दे रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं इन बयान का स्टडी करेंगे, ओके, कब स्टडी करेंगे? ओके शाहनवाज जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास, अभय दुबे जी आपके पास भी आ रहा हूं, उसके पहले जरा यहां आलोक जी से एक कमेंट ले लेता हूं। आलोक जी, राज ठाकरे ऐसी बातें करते हैं तो समझ में आता है, उनके लिए अस्तित्व का संकट था, उनको अपनी जगह बनानी थी, ये तो सत्ता में जीत के आने के बाद ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या यूपी बिहार माफ कर देगा? और आपको कल को लोग पूछ दें दिल्ली में आप क्या कर रहे हैं, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, अगर ऐसी स्थिति होगी नेता इस तरीके की बातें करेंगे तो हमसे कहा जाएगा कि आप हरियाणा से दिल्ली में क्यों आ गए, आप मध्य प्रदेश से दिल्ली में क्यों आ गए, लोग दीवारें खड़ी कर देंगे कि बाहर निकालो दूसरे को। देखिए रोहित जी, ये बिल्कुल मुझे आश्चर्य इसलिए, कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और जैसा अभय जी कह रहे थे मैं मानता हूं, अभी जल्दी में अपने लोगों को वहां पर रोजगार देने की एक समस्या है, और वो तो खुद उद्योग मंत्री रहे हैं, कॉमर्स मंत्री रहे हैं, वो जानते हैं दुनिया को एक करने की कोशिश उनकी है, और यदि मध्य प्रदेश को ले जाएं इसके लिए हम लोग सब, आपने और हमने चैनल में बैठ करके भी शुभकामना दी, बधाई दी है, तो मुझे लगता है कि शायद जल्दी, लेकिन दूसरे दो राज्यों के नाम लेना, मेरा मानना है कि वहाँ साउथ इंडियन भी लोग आए हैं, कई लोग बड़े वहाँ के लोग काम करते हैं, एक समस्या उनके समझ में आती है, ये मैं मानता हूँ रोहित जी, साथ में कहना चाहेंगे, वहाँ के मान लीजिए इतने कॉलेज खुल गए, यूनिवर्सिटीज़ खुल गई, वहाँ के बच्चे उनको बाहर जाना पड़ता है, यदि वैसी कंपनी आती है जिनमें उनको जॉब मिलना चाहिए ये ठीक है, लेकिन उसके लिए ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता कि आप देखिए यूपी बिहार के लोग आते हैं इसलिए आपका जॉब, वो एक ये एक विघटन पैदा करता है। एमपी के लोग वहां से बाहर निकल के नौकरी नहीं करते क्या? कर रहे हैं ना, पूना मैं यही कह रहा हूं, 150 पत्रकारों के नाम बता सकता हूं जो मध्य प्रदेश में आते हैं पत्रकार, और इसके नहीं आपको वापस भेज दिया जाएगा। मैं तो जानता हूं कि ज्यादातर बच्चे बंगलोर में काम कर रहे हैं, पूना में काम कर रहे हैं, तो जो अच्छे काबिल लोग हैं उनको ये कहना चाहिए ज्यादा लोग जॉब दिए जाएंगे, और यूपी बिहार को जो निशाना बनाते हैं मुझे ये दुर्भाग्य है, क्योंकि मुंबई में नहीं देश भर में, बल्कि मैं तो कहूँगा कल हाथ उठा करके शरद यादव जी साथ में खड़े थे, शरद यादव जी जबलपुर के हैं और बिहार की राजनीति करके वो बिहार में स्थापित हो गए बड़े नेता, कमलनाथ जी भी उनको मानते हैं, राहुल गांधी जी भी उनको मानते हैं, ऐसी स्थिति में फिर क्या शरद यादव जी को पहले निकाल दीजिए, उनको कहिए बिहार में कैसे करेंगे आप, मध्य प्रदेश में आपको करना चाहिए था, आपने इतने साल क्यों किया? तो इस तरह से चाहे राजनीति में हो, पत्रकारिता में हो, प्रोफेशन में हो, ज्यादा लोगों को रोजगार मिले ये मुद्दा होना चाहिए। कमलनाथ जी से अपेक्षाएं रहती है कि वो इस पर जोर दें कि सबके लोग आएंगे, हम यहाँ पर यूपी बिहार के लोगों को भी जॉब देंगे, तो उनको भी देंगे, ऐसा करके माहौल बना देंगे, बॉर्डर लगी हुई है, सीमा लगी है, नौकरी नहीं है, सब यूपी बिहार वाले खा गए, इसलिए नौकरी मांगना बेकार है कमलनाथ से, नहीं रोहित बच जाएंगे आप लोग। शब्द उन्होंने प्रयुक्त
खा गए शब्द प्रयुक्त, मैं कह रहा हूं सर कोई उन्होंने पा गए कहा, मैं कह रहा हूं खा गए, इसका मतलब है खा गए, मैं कह रहा हूं बिहार और उत्तर प्रदेश का कोई अपमान नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं आलोचना भी नहीं करता यूपी और बिहार की, इसका अर्थ है कि सद्भावना उन्होंने व्यक्त की। मगर ये परिस्थितियां आप समझिए, मध्य प्रदेश के भाजपा के वित्त मंत्री ने दो दिन पहले ये बयान दिया है कि हम पूरा खजाना खाली कर गए मध्य प्रदेश भाजपा का, वित्त मंत्री तो गया, जयंत मलैया जी का बयान बाहर है वो तो, अब आप ना तो उनका कोई कर्ज माफ करते हैं ये देखते हैं। हमने तय किया है चार इंडस्ट्रियल क्लस्टर का भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, मध्य प्रदेश के विकास के स्वप्न को चरितार्थ कमलनाथ जी पूरी इच्छा शक्ति इंडस्ट्रियल क्लस्टर में भाजपा के, मुझे केवल ये बता दीजिए अभय दुबे जी, उन इंडस्ट्रियल क्लस्टर में वीजा पासपोर्ट लगा के नौकरी देंगे कि यूपी बिहार वाले हो भागो यहां से, एमपी वाले को मिलेगी? ये सब ये राज्य का संवैधानिक अधिकार है रोहित जी, मतलब आप कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा, कि हाँ ऐसा होगा, कह रहा हूं हर भगाने का अधिकार संवैधानिक है, हर राज्य की औद्योगिक, हर राज्य की औद्योगिक नीति उठाकर देख लीजिए, मैं सिलसिलेवार उदाहरण दे सकता हूं, तीन दिन पहले नीतीश कुमार जी का बयान उठाकर देख लीजिए, सारे राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देंगे, ये बात भी ठीक है, एक चीज है अभय दुबे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दो राज्यों का नाम लेना अलग चीज है, दोनों का फर्क सवाल है, नीति का ही नोटिफिकेशन कमलनाथ जी ने बराबरी के आधार पर किसी आरक्षण का नाम क्यों लिया, आरक्षण का प्रावधान करता है, इस तरह के बयानों के जरिए देश में संविधान और संघीय ढांचे का अपमान मत कीजिए। आप तो बोलिए मत साहब, एक सेकंड रुक जाइए ना, 50 लाख डीएनए सैंपल के टेस्ट कराए मोदी जी के खिलाफ, इसके पहले बिहार के लोगों को जिस तरह से कहते थे बिहार में, आप मुद्दे से भाग रहे हैं, अबे दुबे आप मुद्दे से भागने दूंगा नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, गुजरात में अल्पेश ठाकुर ने हिंसा का वातावरण बताया, अगर उस पर भी आपको शर्म नहीं आती है तो मुझे आश्चर्य है। राजीव जी, राजनीतिक बयान में क्या होगा कि इनको मुद्दे से भागने का मौका मिल जाएगा और वो हम चाहते नहीं कि ये मुद्दे से भाग पाए। सुनील यादव की बात तो आपको समझ में आती है ना, राजीव रंजन की नहीं समझ में आती मान लेता हूं, अब मैं जरा सुनील यादव को चर्चा में ले आता हूं और उम्मीद करता हूं अभय दुबे आप उनको सुनेंगे, काटेंगे नहीं बीच में, टोका टाकी नहीं, बिल्कुल सुनो, सुनील यादव यूपी बिहार वाले पंचिंग बैग है क्या कि कोई भी आएगा दुत्कार देगा, और ये जो कह रहे हैं कि संवैधानिक अधिकार है राज्य का, क्या इसका मतलब ये है कि आप दो राज्यों का नाम लेके बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि ये लोग खा जा रहे नौकरियां आके? नहीं रोहित जी, देखिए किसी भी राज्य का अधिकार ये हो सकता है कि आप अपने राज्य में नौजवानों को कितना रोजगार दें, लेकिन अगर इस देश के किसी राज्य में किसी राज्य के रोक के लोगों को अगर ये टारगेट किया जाए कि ये लोग ले जाते हैं, तो वही बात होगी कि आपसे सवाल होगा आप दिल्ली क्यों आ गए, जो वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी बैठे उनसे सवाल होगा कि आप दिल्ली क्यों आ गए, सबसे सवाल होगा। और कमलनाथ जी कोई ऐसे नेता नहीं है कि वो गिरिराज सिंह है कि कोई भी बयान दे दें या वो साक्षी महाराज हैं कुछ भी बोल दें, अगर उन्होंने बोला है या तो वो माफी मांगे कि उनसे गलती हुई है, और या फिर मैं कह रहा हूं, देखिए सहनवाज जी आपकी पार्टी का बयान होता तो मैं मान लेता, वो आपका चरित्र है आपकी पार्टी का चरित्र है, लेकिन कांग्रेस आपके ही प्लेटफॉर्म पर आकर के कह रही है, तो मैं फिर रोहित जी कह रहा हूं अगर कांग्रेस इस पर माफी नहीं मांगती है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान क्या बात करेंगे? आप बोलिए अभय दुबे, माफी मांगती है कि नहीं कांग्रेस इस पर? ये तो आपके सहयोगी हैं रोहित जी, या ये भी ऐसे ही बात करते हैं? देखिए नहीं नहीं, हमारी बड़ी सद्भावना है, राहुल जी ने कहा और भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है, कमलनाथ जी के पूरे वक्तव्य में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने यूपी और बिहार के लोगों नहीं, अगर ये भाजपा का षड्यंत्र लगता है, उन्होंने सद्भावना पूर्वक ये बात कही, कमलनाथ जी कह दें कि हमसे गलती से यूपी और बिहार का नाम निकल आया, सुनिए देखिए हम लोगों को कष्ट हुआ है, कम से कम कांग्रेस जैसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रही है, शिवसेना की भाषा बोल रही नहीं, है नहीं, गुजरात की भाषा बोल रही है, आपकी भावनाओं का एक काम करते हैं, मेरी भावनाओं को छोड़िए और सुनील यादव की भावनाओं को छोड़िए, सर कमलनाथ का बयान सुनिए दोबारा, उन्होंने क्या कहा आप सुन लीजिए अभय दुबे, उसके बाद वापस आके आपसे दोबारा पूछूंगा, एक आप इस पर माफी मांग रहे हैं या नहीं, और दो राहुल गांधी को आप लोगों ने अब तक ढंग से ब्रीफ क्यों नहीं किया, वो कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं इस बारे में, सुनिए कमलनाथ ने क्या कहा कि जो भी हमारी स्कीम्स हैं निवेश की जो हम इंसेंटिव देते हैं ये तभी लागू होंगे जब 70% लोग रोजगार लोकल होए मध्य प्रदेश से होए, कि बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहां अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं
बिहार उत्तर प्रदेश से मुझे, मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित रहते हैं, तो उनको तभी उन इंसेंटिव्स का लाभ मिलेगा अगर 70% रोजगार मध्य प्रदेश का लोकल हो। बिहार उत्तर प्रदेश से लोग आ जाते हैं, अभय दुबे जी अगर आ जाते हैं, आपके उद्योग धंधे खड़े करने में मदद करते हैं, आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हाथ लगाते हैं, आप उनके लिए दरवाजा बंद करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, बहुत अच्छा आपने बता दिया कमलनाथ जी का वक्तव्य। उन्होंने कहा कि वो जो इंसेंटिव्स देती है राज्य सरकार, बगैर इंसेंटिव के अगर कारखाने लगाएं तो उनको पूरी आजादी है। भाई साहब, उन्होंने हिंदी में ही बोला है, आप उसकी प्रशंसा से व्याख्या मत कीजिए। यहाँ वही चलाया जो उन्होंने बोला है। नहीं नहीं, आप उसकी प्रशंसा से व्याख्या करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहा। आपने अच्छा किया, दिखा दिया। नहीं नहीं, उसी का जवाब दे रहा। ये कोई छठी क्लास का पेपर तो नहीं रहा है जी, कि सब प्रसंग व्याख्या कर देंगे आप बैठ के और उसमें साबित कर देंगे कि कमलनाथ ने ऐसा नहीं ऐसा कहा था। बिहार के लोगों से यही तो साबित भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं हो रहा। एक सेकंड, अभय दुबे जी, सरकार आपकी है, भारतीय जनता पार्टी अब गई तेल लेने, जैसा जीतू पटवारी कह रहे थे, वो तो अपनी पार्टी को भेज रहे थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी चली गई तेल लेने, वो हो गई विपक्ष में, सरकार आपकी है। आपने सरकार में आते ही यूपी बिहार को टारगेट क्यों किया? माफी मांग रहे हैं कि नहीं टारगेट किया? यूपी बिहार को टारगेट नहीं, हमने रोजगार को टारगेट किया, मध्य प्रदेश के युवाओं को। मैं तो प्रभु, ये ऐसा ना हो कि ढाई साल के बाद एक घोषणा पत्र हमको और लाना पड़ जाए, जो वचन हमने दिए वो ढाई साल में पूरे हो जाए। सर, उन वचनों में आपने कहीं स्टार लगा के ये नहीं लिखा था कंडीशन अप्लाई? जो मजबूती से उसको पकड़ के बैठे हैं, ये और गलत बात है। अरे, आपके वचन तो देश में आजादी के पहले दिए थे। देखिए, 55 साल में वचन आप देश और बिहार के लोगों के प्रति कमलनाथ जी हमेशा से सद्भावना रखते रहे। साल देश जब वो केंद्रीय मंत्री रहे, शाहजहांपुर की जानते हैं, बहुत मजबूत तो घृणा कैसी होगी? एक साथ मत बोलिए। आप कह रहे हैं कमलनाथ जी सद्भावना रखते हैं यूपी बिहार वालों के लिए। अभय जी, पहली बात तो कोई एहसान नहीं करते, इसी देश के नागरिक है सब लोग, तो सद्भावना रखते तो कोई एहसान नहीं करता। और दूसरी बात, उनका खुद का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, वो कानपुर के रहने वाले हैं, वहीं से उनकी राजनीति चली है, वहां उनके उद्योग धंधे रहे। आज वो यूपी बिहार से आने वालों को अगर ऐसी लानत दे रहे हैं तो लानत उनकी पार्टी को होनी चाहिए। एक सेकंड, अभी रुक जाइए सर, लानत नहीं, आप जताते नहीं आपत्ति। एक सेकंड, आलोचना नहीं करना चाहता मैं उनकी, आलोक जी उन्होंने कहा, लेकिन उस सारी बात में क्या ये आलोचना है या नहीं? देखिए, इससे आलोचना की ध्वनि मुझे खतरा लग रहा है भाई जी, बल्कि मुझे लगता है आप जाके जरूर संदेश पहुंचाए। और आप तो और खतरनाक बात कह रहे हैं, इंसेंटिव दिया। इंसेंटिव तो राष्ट्रीय नीति के तहत भी कई जगह पानी के लिए दें, कल फिर पानी पर भी आप कहेंगे कि भाई तुम यदि हरियाणा से आए हो या बंगाल से आए हो तो तुमको पानी नहीं मिलेगा। ये तो ये इंसेंटिव में शामिल है, आप बिजली देना भी शामिल है। आप इसको और खतरनाक मोड़ दे रहे हैं। आप ये मत कहिए कि उत्तर प्रदेश बिहार का आदमी आता है तो रोजगार नहीं मिलेगा। इंसेंटिव का मतलब, अरे पूरी बात तो सुन लीजिए अभय जी। अभय जी, एक तो आप सुनते नहीं, दूसरी बात सुनिए ना। आपको लगता है कि आप अपनी बात जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप लगातार बोलते रहेंगे। देखिए, लगातार बोलने से जस्टिफाई नहीं होगी सर। देखिए, उद्योग धंधे लगे और सवाल आप भूल रहे हैं। कलकत्ता में सबसे ज्यादा बंगाल से उन्होंने पढ़ाई किया खुद कमलनाथ जी ने। आज क्या बंगाल में भी तो यही स्थिति हुई थी, वहां से लोग भगाए गए तो कितना मुश्किलें आई हैं। आज आपको फिर आप बंगाल से, आप खुद कांग्रेस पार्टी वहां से साफ हो गई। अच्छा, तो मुझे लगता है कि आप ये क्यों उसको कहना चाहते हैं? आप पूरा राष्ट्रीय मध्य प्रदेश को आप राष्ट्र का निधि क्यों नहीं बनाना चाहते? उन्होंने तो नर्मदा का पानी सबके उपयोग में आएगा, ये क्यों नहीं कहना चाहते? सर, ये कमलनाथ है ना, शिवराज सिंह चौहान है क्या कमलनाथ भी उपयोग में आएगा? तो कमलनाथ शिवराज जी ने गलत किया तो आप क्यों करें? कमलनाथ भी शिवराज सिंह चौहान है क्या? हम तो नहीं समर्थन करते ठाकरे का, उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो। आप जिनको हटा के सत्ता में आए उन्हीं की बातों को ढाल बता के आप सोचते हैं कि आप बच जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। अब राजीव रंजन को सुन लीजिए। अभय जी, नहीं, आप लगातार बोलते रहेंगे, दूसरों को बोलने नहीं देंगे, दूसरों को सुनने नहीं देंगे, ये गलत बात है। आप आलोक जी के बीच में भी टोका टाकी करते रहे। राजीव रंजन अपनी बात कहिए, फिर शाहनवाज अपनी बात कहेंगे, उसके बाद आप जवाब दीजिए दोनों को। देखिए, राजीव रंजन बोलिए। आज एक बात, कांग्रेस ने देश को 10 सरकारें दी हैं, लेकिन कांग्रेस को एक बात जरूर याद करना चाहिए, ये उन पांचवें दशक में वीके कृष्णा मेनन ने यहाँ फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी लागू किया देश में। बिहार माइंस एंड मिनरल्स के मामले में काफ़ी समृद्ध राज्य था और झारखंड उसे बिहार का हिस्सा था,
बिहार में फैक्ट्रियां लग रही थी जब देश के बाकी हिस्सों में उस तरीके के उद्योग नहीं लग रहे थे। जेआरडी टाटा ने यहाँ टाटा के उद्योग लगाए और उस एक भाड़ा समानीकरण नीति की वजह से बिहार में चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो गया, बिहार के उद्योग बाहर जाने लगे। इसलिए कि जो बिहार में खनिज अयस्क जिस मूल्य पर मिलते उसी मूल्य पर वो महाराष्ट्र और गुजरात में भी मिलते, और ये पूरी तरह से बिहार और जो इस तरह के पिछड़े राज्य थे उनको नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से कांग्रेस ने ये फैसला लिया। और हम लोगों ने पिछले दिनों आलोक मेहता जी चूंकि यहाँ बैठे हैं और बिहार में काफ़ी लंबा वक्त इन्होंने दिया है, एक पत्रकार की हैसियत से इन्होंने बिहार को काफ़ी नज़दीक से देखा है। बिहार में ये जो दंश और ये जो दर्द है ये बहुत गहरा है। बिहार को लगातार पिछड़ेपन की ओर भेजने का काम कांग्रेस की लगातार सरकारों ने किया और इन 13 वर्षों में मानकों पर बिहार उभरा, लेकिन इतना तेज था कि लगातार डबल डिजिट में ग्रोथ रेट दर्ज करने के बाद भी विकसित राज्यों की पात में पहुंचने की हमारी जो जिजीविषा है वो आज भी जारी है। और बिहार से बाहर निकलने वाले लोग जितने मेहनतकश हैं और जिस मेहनत से वो उन राज्यों में ईमानदारी के साथ उन राज्यों को अपनाते हैं, उसके बाद ऐसी गालियों के बाद ये कैसे संघीय ढांचे में इनका विश्वास है, मैं नहीं समझ सकता। ओके, शाहनवाज हुसैन अपनी बात कहिए, फिर अभय जी जवाब देंगे एक साथ दोनों को। बोलिए शाहनवाज। नहीं, ये मैं जेडीयू की तरफ से जो बात कही गई है वो सत्य है कि बिहार ने बिहार के अंदर विकास के पथ पर बिहार चलता रहा है। कांग्रेस के दौर में ज़रूर वो बिहार विकास के पथ पे पीछे चला और बाद में 15 साल कांग्रेस समर्थित सरकार रही। बिहार या यूपी का कोई जवान जब अपने घर को छोड़कर जाता है वो मजबूरी में जाता है रोज़गार के लिए, लेकिन वो मेहनत कश है, कहीं भी जाता है तो वो उसकी मजदूरी लेता है और मेहनत करता है। अगर वो मेहनत कश नहीं हो तो उसको कोई रोज़गार देने वाला नहीं है। लेकिन मानसिकता पर मैं सवाल उठा रहा हूँ कि आखिर कांग्रेस की दुश्वारी ये है कि अगर आप मध्य प्रदेश में जीते आप अपने लोगों को रोज़गार दीजिए, इसमें कहाँ एतराज़ है। हम भी कह रहे हैं अगर वो देना चाहते हैं दें, लेकिन बिहार और यूपी एक तकिया कलाम हो गए हैं कि हर जगह इस बात का नाम ले लिया जाए। पहले शीला दीक्षित ने कह दिया था यहाँ कि बिहार यूपी के लोग दिल्ली को गंदा कर देते हैं, उसके बाद अब कमलनाथ जी का बयान, अगर वो कहते कि बाहर के लोगों को जगह हम अपने लोगों को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि कई राज्य में अभी आपको दिल्ली में रोहित जी नहीं मालूम होगा, दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल तक में मरीज को 80% का आरक्षण कर दिया, यानी अगर बेड भी मिलेगा तो वो दिल्ली के अगर आप हैं तो मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। इस पर भी आवाज़ हमने उठाने का काम किया। आप अगर जिस राज्य में राज्य के लोगों को महत्व दीजिए ये सही है, लेकिन आप यूपी बिहार के लोगों को वो रोज़गार छीन लेंगे, इस पर राहुल गांधी जी के पास भी जवाब नहीं था, क्योंकि वो सांसद अमेठी से हैं और अमेठी के लोग यूपी में ही है अमेठी, उनके पास जवाब नहीं। लेकिन दुबे जी उसको अलग तरह से तशरीह कर रहे हैं, अलग तरह से डिफेंड कर रहे हैं। कांग्रेस को सीधे रोहित जी आपके प्रोग्राम में माफी मांग लेनी चाहिए कि जबान फिसली है, दुबे जी डिफेंड न करके अगर माफी मांग ले तो ये देश में अच्छा संदेश जाएगा। ओके, दो सवाल है अभय दुबे मेरे। एक, 24 घंटे में सेल्फ कॉल कर लिया आप लोगों ने, और दूसरा, माफी मांग रहे हैं कि नहीं? क्योंकि पहली मांग आपके सहयोगी ने की, ये तो बाद में आए शाहनवाज हुसैन की माफी मांगी है, सबसे पहले तो सुनील यादव ने कह दिया कि माफी मांग लीजिए। आज तो मैं हतप्रभ हूं शाहनवाज जी और राजीव रंजन जी जो कल तक 50 लाख डीएनए सैंपल टेस्ट कराते थे कि मोदी जी ने जो अपमान किया है जीवन भर बिहार उसको क्षमा नहीं करेगा। आपको लेसन नहीं मिला ना उससे भी? विजय गोयल जी दिल्ली में, कल जो दिल्ली में विजय गोयल उससे भी सबक नहीं मिला ना कि यूपी क्या दुर्गति हुई बिहार के चुनाव में? आपकी बहस इसी पर कर लेते हैं, उस पर कोई जवाब आपके पास नहीं है। आज समाज ये इसलिए बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया, इसलिए तो आप परेशान हैं कि 40 की 40 सीट बीजेपी जीतने वाली है, इसलिए परेशान है। तरक्की की बात कमलनाथ जी करते हैं और वो ये कहते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश की आलोचना नहीं करता, तो आप क्यों उसमें आलोचना ढूंढना चाहते हैं? अच्छा अभय जी, यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ बिहार यूपी के, अभय जी एक बात, बिहार यूपी के लोगों को अपमानित क्यों करना चाहते हैं? बिहार यूपी ने बिगाड़ा क्या है? आपकी राजनीतिक जमीन चली गई यूपी बिहार से, तो आप गाली देंगे, अपमानित करेंगे, बिहार और यूपी के लोगों को नीचा दिखाएंगे? घोषणा पर हम लोगों ने, हम बिहार यूपी के लोग खड़े कर रहे थे, अपमानित करके क्या कांग्रेस सर्वाइव करेगी? अगर आपको मोदी जी ने
प्रदेश में और बिहार में राजनीतिक जमीन खत्म हो रही है तो क्या बिहार के लोगों को गालियां देंगे? आपको हसद है, कलन है, बिहार के लोगों से चिढ़ है? बिहार के लोगों से चिढ़ क्यों है? ये देश जानना चाहता है। एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड, रैली की तरह इनको जवाब देना चाहिए, क्यों चिढ़ है? कोशिश कर रहे हैं ना सब लोग, यही तो कोशिश कर रहे हैं। उनके अलावा हर आदमी जवाब ही तो चाहता है, और जवाब में वो ये कह रहे हैं कि भाई शिवराज ने भी ऐसा किया था, भाई गुजरात की सरकार भी ऐसा कर रही है, भाई महाराष्ट्र की सरकार भी ऐसा कर रही है। कमलनाथ जी ने ऐसा नहीं कहा। एक सेकंड सर, बिल्कुल कमलनाथ जी ने कैसा कहा कैसा नहीं कहा उसके लिए आपकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने शुद्ध हिंदी में कहा और जो कहा वो जस का तस हमने टीवी पर चला दिया। एक बार नहीं, दो बार चलाया। आप कहेंगे तो मैं आपके लिए तीसरी बार भी चला दूंगा। देश की जनता समझदार है सर, मैं वही कह रहा हूँ, देश की जनता समझदार है और वो अपने आप इस चीज का मतलब निकाल सकती है। सुनील यादव, अगर आप ये सोचते हैं कि कमलनाथ वो नहीं कह रहे जो आप समझ रहे हैं, तो अभय दुबे की नजर में आप मूर्ख हैं, क्योंकि आप वो समझ रहे हैं जो बीजेपी समझाना चाहती है। विद्वान है, हम अपने आप सुनील जी विद्वान है, अच्छे प्रवक्ता है। विद्वान की बात सुन लीजिए, फिर विद्वान की बात तो सुन लीजिए, फिर अब उनको बोलने तो दीजिए कम से कम। मैं अगर इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं और कांग्रेस हम लोगों को क्या मानती क्या नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं फिर आपके कार्यक्रम में यह सुझाव दूंगा, मैं सुझाव दूंगा अभय दुबे जी को कि गलती हो सकती है कि आपके भाव ना रहे हो, लेकिन आपकी भाषा कमलनाथ जी की वही थी जो भारतीय जनता पार्टी की होती है। आप अपनी तुलना क्यों शिवराज सिंह चौहान से कर रहे हैं? हमने तो पहले ही कहा कि आपको गलती मत करिए जो भारतीय जनता पार्टी करती है। जो गुजरात में बोला गया, महाराष्ट्र में बोला गया, दिल्ली में बोला गया, आप क्यों बोल रहे हैं? और फिर मैं वही दोहराऊंगा अभय जी, पता नहीं आपको आना है उत्तर प्रदेश की नहीं आना है, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जरूर उत्तर प्रदेश आना है। पक्ष नहीं रख रहे, उसमें आपकी जरूरत नहीं है। माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ शाहनवाज जी, थोड़ा सा बीजेपी के रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। अभय दुबे, क्या आप इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं? जब आपका सहयोगी दल, जिसके सहारे आप 2019 में उत्तर प्रदेश में पता नहीं क्या कमाल कर देने का सपना देख रहे हैं, वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए रास्ता मुश्किल कर सकता है। वो आपको सीधे सीधे धमकी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि माफी मांग लीजिए, यूपी बिहार वालों का अपमान मत कीजिए। और आप कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो अपमान ही नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया, विनम्रता से आज भी हम ये कहते हैं राहुल, अच्छा विनम्रता से गाली भी देते हैं तो वो गाली नहीं लगती, प्यार हो जाता है ना? नहीं नहीं दी, देश के करोड़ों दर्शक आज तक देख रहे हैं, वो जान जाएंगे। आपने वक्तव्य बता दिया दो बार कमलनाथ जी का, उन्होंने तो जानते हैं सर, कल से इस पे चर्चा कर रहे हैं, किसी राज्य का अपमान नहीं किया, कल से देश के करोड़ों लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। आपके सहयोगी पार्टी अब तक कन्विंस नहीं हो पाई, कल से अभी तक आपने अपमान नहीं किया। भाजपा जेडीयू को नकारने वाला है, उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस, आरडीजी, आरजेडी, मायावती जी, अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी सबको अच्छा प्रतिसाद देगी। गाली भी देंगे और वो आपको कंधे भी देंगे, भाजपा प्रदेश में तो गाली भी देंगे और वो आपको अपने कंधे भी देंगे। सर देख लीजिएगा, कहीं वो ऊपर चढ़ाने के बजाय दूसरे वाला कंधा दे रहे हो। बिहार के लोगों को गाली नहीं देना चाहिए, तो गाली दे बिहार के लोगों का, बिहार के लोगों को बिहार यूपी के लोग लोकसभा के चुनाव इसका बदला लेंगे। आप लोग जीरो पे उठा देंगे, इस बार अमेठी और अरवली भी निकलेगी। बिहार के लोग, सबकी आवाज रोक देते हैं एक बार आप सब लोग सुन लीजिए, एक एक करके बोलेंगे तो आपको दूसरे की बात समझ में आएगी, दूसरे को आपकी बात और दर्शकों को आप सबकी बात समझ में आएगी। लेकिन अगर आप केवल शोर मचाएंगे, एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, तो ना तो आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, ना देश की जनता आपकी बात को समझ पाएगी। थोड़ा इस बात पे गौर करें। अभय दुबे जी, खासतौर पर आप, बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब आप से सवाल पूछा जाता आप बोलें, आप लगातार दूसरों के साथ टोका टाकी। सर रैली नहीं है ना, देखिए अभय जी, अगर आपको लगता है आपको इस बात का मतलब समझाने के लिए पूरा भाषण देना, आप रैली बुला लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लीजिए, कोई सवाल नहीं पूछेगा, सबको बोलते रहिए जितना बोलना है आपको। लेकिन यहाँ पांच लोग हैं सर, प्लीज आप यूपी बिहार वालों का वैसे सम्मान नहीं करते, मत कीजिए, डिबेट में तो कर लीजिए थोड़ा सा। और
आलोक जी का सम्मान कीजिएगा, वो मध्य प्रदेश के, आलोक जी का कर लीजिएगा, वो मध्य प्रदेश के ही है, प्लीज उनको सुन लीजिएगा एक बार। बिल्कुल, क्या ये सेल्फ गोल है कांग्रेस का आलोक जी या नहीं? देखिए निश्चित रूप से इससे थोड़ा वो होगा, उनको अपने को सुधार करना चाहिए और ये हो सकता है जैसा मैंने कहा, वो यदि और राज्यों की बात करें, अपने राज्य जनरल बात करते हैं जैसा अभी अपने दूसरे पार्टी के लोग भी कह रहे थे, और खास करके अभय जी जिस समय सरकार को ऐसे विधायकों का भी समर्थन आवश्यक है जिनके संबंध यूपी बिहार की पार्टियों से है, एसपी बीएसपी से, अभी मध्य प्रदेश में भी सहयोग की जरूरत होती है। अच्छा बॉर्डर लगी हुई है, देखिए जैसे आप देश तो अलग अलग नहीं है ना, आप हम तो अभी भी ये कह रहे हैं ना बांग्लादेश से लोग आए उनके लिए भी बेचारों को जगह तो होना चाहिए ना कहीं ना कहीं, तो आप यदि जो झांसी से निकल करके ग्वालियर की तरफ आ गया, बॉर्डर ऐसी लगी हुई है किसी की बीवी यहाँ पर है बच्चे वहाँ पर हैं, ऐसे लोग काम करने के लिए नहीं मध्य प्रदेश में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, को मध्य प्रदेश में काम करने वाला यूपी नहीं जाएगा बिहार नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए इतने शीर्ष नेता से, देखिए गलती तो आपकी पार्टी ने किया कमलनाथ जी को, मैं आपसे पहले भी कहता कमलनाथ जी को तो प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाया जीता ब्रह्म जी, अब आप ये करेंगे तो उसके बाद कहां से राष्ट्रीय पार्टी बना जाएगा, कह रहे हैं हमने गलती नहीं की, इसलिए कम से कम इतना मानना चाहिए कि हम इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में आप देखें, और मध्य प्रदेश का हित भी उसमें है कि यदि सब लोग आके वहां पैसा लगाएं और उनके लिए छूट हो गए किसको जॉब देते हैं, मैं यदि काबिल नहीं हूं तो मुझे वहां जॉब नहीं मिला दूसरे जगह मिल जाएगा, लेकिन यदि काबिल लोगों को तो देंगे ना आप, फिर आरक्षण का समर्थन करेंगे जो उद्धव ठाकरे राज ठाकरे करते थे जिससे हम लड़ाई इतने सालों से लड़ रहे हैं, आप उस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं साउथ इंडिया में तमिलनाडु में भी कह दिया जाएगा कि नहीं आएंगे तो कैसे काम करेंगे हम लोग। ठीक, एक सेकंड सुनील यादव पहले बोल ले, सुनील यादव गठबंधन में आप लोग जी, आपकी मदद से सरकार खड़ी है वहां पर जी, उत्तर प्रदेश में लोग पूछेंगे कि भाई आपकी जो बड़ी पार्टी है जिसका आप सहयोग कर रहे हैं वो हमें गाली दे रही है, क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को अपने? नहीं तो इसीलिए तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि ये बयान ठीक नहीं है, इसमें सुधार की जरूरत है, और मैं फिर आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं कि कांग्रेस को अंततः माफी मांगनी पड़ेगी, अभी डिबेट में नहीं मांग रहे हैं, अंततः कांग्रेस को और कमलनाथ जी को माफी मांगनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आप फिर भारतीय जनता पार्टी की तरह उत्तर प्रदेश और बिहार को हीन भावना से देख रहे हैं, आप पूरे देश को एक नजरिए से देखो, आप किसी को भी यह हक नहीं है कि कोई इस देश में भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, प्रदेश के आधार पर किसी को देखे, ये पूरा देश एक है, और इसको मजबूत बनाने के लिए, तरक्की की तरफ ले जाने के लिए हमारी आपकी भाजपा की जितने भी राजनीतिक दल हैं सबकी जिम्मेदारी है कि कोई कम से कम देश न बांटे प्रदेश न बांटे, और कांग्रेस को अभी भी ये समझ लेना चाहिए कि माफी तो मांगनी ही पड़ेगी आपको, और बिना माफी मांगे आप उत्तर प्रदेश में तो कम से कम क्या बात करेंगे और क्या अपना पक्ष रखेंगे। अभय दुबे जी, अब इनको आप ना समझ मानते हैं कि ये समझ नहीं पा रहे आपके समझाने के बावजूद भी, या ये भी बीजेपी के एजेंडा पे चल रहे हैं आपके गठबंधन के पार्टनर होने के बावजूद? देखिए वो एक राजनीतिक दल है, उत्तर प्रदेश से है, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, मगर मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार है। कमलनाथ जी का पूरा जीवन देश के लिए समर्पित रहा, उत्तर प्रदेश और बिहार के विकासोन्मुखी कार्य के लिए उनके केंद्रीय मंत्री रहते हुए खुद अखिलेश जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे, बहन मायावती जी भी स्वीकार करेंगे कि उनका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, खुद अखिलेश जी ने ही कहा है, और उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए उन्होंने कहा कि मैं नहीं बताइए कैसे लड़ते रहे वहाँ के नागरिकों को, देखिए मध्य प्रदेश के नागरिकों के रोजगार के लिए रोकने का, महाराष्ट्र में क्या हुआ है आप जानते हो, बहुत काम महाराष्ट्र में, तो उन्होंने जिले तक का रिजर्वेशन कर दिया कि उस जिस जिले में उद्योग होगा 25% अभय जी होंगे, मैं आपको पहले मिनट से कह रहा हूँ रोजगार के, अगर आप उनसे भिन्न हैं, अगर आप उनसे बेहतर हैं, तो उसी लकीर को क्यों बार बार सामने लेके आते हैं अपने बचाव में जो उन्होंने खींची है? नहीं ये संवेदना, फिर आप जनता को बेवकूफ समझते हैं, आप कहते हैं कि नहीं कमलनाथ जी ने तो ऐसा कहा ही नहीं, जैसा कहा वो सबके सामने है, कल से सब लोग सवाल उठा रहे हैं और आप लोग बार बार यही कह जा रहे हैं कि नहीं हमने तो ऐसा कहा नहीं, आपका पार्टनर कह रहा है माफी मांग लीजिए, आज नहीं मांगते कल मांगनी पड़ेगी। शाहनवाज हुसैन आखिरी कॉमेंट है, बहुत छोटा सा, सर एक सेकेंड, आखिरी कॉमेंट है बहुत छोटा सा, अरे आज तक मैं मान दिए बोलिए, आज तक चैनल यूपी बिहार में बहुत देखा जाता है, और रोहित जी आपका प्रोग्राम भी यूपी बिहार में सबसे ज्यादा देखा जाता है, ये अच्छा मौका है अभय दुबे जी के पास कि वो माफी मांग लें, बिहार का बिहार को पैकेज नहीं दिया उसकी माफी पहले भी बहुत बार किया है,
अब वोट के खातिर ऐसा अपमान मत कीजिए। अपमान किया डीए नहीं, बिहार के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन चलिए, सारे उदाहरण इस बात के हैं कि बीजेपी की सरकारों ने ऐसा किया। बीजेपी की सरकारें जैसा करती हैं, क्या कांग्रेस की सरकारें भी अब वैसा ही करेंगी? क्या बीजेपी उनकी रोल मॉडल है कि जो चीजें वो करते आए वही अब कांग्रेस के नेता भी करेंगे? और अगर ऐसा नहीं है तो बचाव में बीजेपी का उदाहरण या उसकी दलीलें क्यों है, और क्या कांग्रेस इस पर माफी मांगेगी? क्योंकि दबाव उनकी अपनी सहयोगी समाजवादी पार्टी डाल। तो दंगल के आखिरी पड़ाव पर है सुनील यादव। सुन लिया आपने, अभय दुबे तो जस्टिफाई करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उसके बाद वो उदाहरण लाने की क्या जरूरत है जिनसे इनको ढका या जस्टिफाई किया जा सके, अगर नहीं कहा तो? नहीं, अभय जी से रोहित जी मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी ने यह कहा ना कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आ करके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई दिल्ली में बैठा व्यक्ति कहे कि यूपी और बिहार से आ करके लोग यहां हक मार देते हैं, हम दिल्ली के लोगों को देना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या समझे हम? मैं फिर कह रहा हूं दुबे जी से कि आप पूरे देश को एक नजरिए से देखिए। आप भारतीय जनता पार्टी बनने की कोशिश मत करिए। जो भारतीय जनता पार्टी करती है जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, रंग और भाषा के नाम पर, आप देश को उस तरीके से मत बांटिए। भारतीय जनता पार्टी का हर वर्ग के नाम पर करती है। हम तो सबका साथ सबके विकास के नाम पर करते हैं। आप कांग्रेस पर डिबेट हो रही है कमलनाथ के माफी मांगने पर, और आप बीजेपी पे बोल रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के लोग नाराज हो जाएंगे सुनील जी, आपसे सीधी आलोचना कीजिए। नहीं नहीं, यूपी और बिहार के लोगों का अपमान किया और आप बीजेपी पे हमला बोले। गुजरात सुना है, भारतीय जनता पार्टी जात धर्म के भाषा राज्य के नाम पर हम लोग नहीं बंटवारा करते। हम तो सबका साथ सबके विकास के नाम ऐसे ही करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तमिलनाडु में अपने वर्कर को संबोधित करते हुए कहा था कि हम राज्यों के बीच में भी चाहते हैं जोर, सबका साथ सबका विकास, राज्य का साथ राज्य का विकास, सबको मिलकर संघीय ढांचे में हम सबको लेकर चलते हैं। और हम वोट भी नहीं कर सकते। कांग्रेस जितनी जल्दी माफी मांगेगी, एक राष्ट्रीय पार्टी है ना, बेहतर होगा। हमारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा संगठन है। हम एक नजर से, एक नजरिए से देखते हैं। हम सबका साथ और सबका विकास के रास्ते पर चलने वाले हैं। सर, बात सब अपनी अपनी करते हैं। माफी मांगनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस माफी मांगेगी? क्या कमलनाथ माफी मांगेंगे? सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए क्या? 24 घंटे में ही पहला सेल्फ गोल क्या कांग्रेस ने कर दिया? क्योंकि बीजेपी से ज्यादा उनकी अपनी सहयोगी समाजवादी पार्टी इस सवाल को उठा रही है कि कांग्रेस को इस पर माफी मांग लेनी चाहिए। दंगल देख रहे थे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।